नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां वतन पर कुर्बानी देने वालों की हर दिन होगी पूजा। देश के पहले शहीद मंदिर का गाजियाबाद में निर्माण हुआ शुरू। देश में अभी तक आपने विभिन्न धर्मों के गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं मंदिरों के बारे में सुना होगा, जहाँ लोग अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा व इबादत करते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जनपद के मेरठ रोड सेवानगर स्थित बालनाथ आश्रम परिसर में शहीद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जहां वतन पर मर मिटने वालों की हर दिन पूजा अर्चना नियमित रूप से होगी। यह मंदिर देश का पहला मंदिर होगा जहाँ किसी भगवान या इष्ट देवता की मूर्ति नहीं होगी, बल्कि देश की आज़ादी और भारत माँ की आन और शान पर अपने आप को कुर्बान करने वाले शहीदों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। शहीद मंदिर के निर्माण करने के लिए शहीद मंदिर ट्रस्ट का गठन भी कर दिया गया है। ट्रस्ट के संचालक 75 वर्षीय सन्यासी स्वामी बालनाथ जी ने बताया कि 22 अप्रैल 2016 को विधि विधान के साथ शहीद मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। खास बात यह है कि शिलान्यास के दौरान चंद्रशेखर आजाद के परिजन लाला जगत नारायण के पुत्र विजय चोपड़ा, मेरठ से महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम मंगल पांडे के परिजन और धोलाना व आसपास में रह रहे शहीदों के परिजन इस शिलान्यास समारोह के साक्षी बने थे। इस संबंध में हमने सन्यासी स्वामी बालनाथ से तफसील से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शहीदों का बलिदान हमेशा हर आदमी के जुबा से साफ साफ देश सुने और उनकी राष्ट्रभक्ति में उनके त्याग और बलिदान का आभार व्यक्त करें। इस अभिलाषा के क्रम में उन्होंने शहीद मंदिर बनाने का अभियान शुरू किया। स्वामी बालनाथ ने शहीदों के नाम पर घटिया राजनीति करने वाले राजनेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि यह जुमला काफी पुराना हो गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों का आज की राजनीति निगल चुकी है। उन्होंने कहा कि मंदिर में शहीदों के इतिहास और साहित्य से संबंधित पुस्तकें भी रखी जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी यह जान सके कि इस देश को आजाद कराने और सरहदों की रक्षा करने में हमारे शहीदों का कितना बड़ा योगदान रहा है, जिसके चलते आज पूरा देश खुले में सांस ले रहा है। इस मंदिर के निर्माण में कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में समाज से जुड़े लोग अपना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इस विशालकाय शहीद मंदिर के निर्माण पर 1 करोड़ से भी अधिक खर्च आने का अनुमान है। स्वामी बालनाथ ने देश प्रेमी दानवीरों से अपील की है कि वह खुद आकर इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति दें, ताकि देश की युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माताओं के बारे में तफसील से जान सके। गाजियाबाद से सविता निर्वाण के साथ अतुल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं देखता हूँ उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता था। तो हमने निश्चय किया कि मैं एक ऐसे मंदिर का निर्माण करूँगा जहाँ शहीदों की मूर्तियाँ लगाऊंगा और लोग आएंगे तो उनसे प्रेरणा मिलेगी। लोगों से मांग करके सहयोग प्राप्त करके ही बनाएंगे, और यदि कोई भी उस तरीके का सहयोग नहीं करेगा तो लोगों से एक एक दो दो रुपया भी मांगेंगे। 135 करोड़ लोग हैं तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसका निर्माण करेंगे।